अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में, और मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके उस प्रेम, उसके सहारे, उस उत्साहवर्धन के लिए जो आपने इस चैनल को दिया है। और मुझे उम्मीद है आपके भी आपका ये चैनल ऐसे ही आपकी सेवा में, आपके ज्ञानवर्धन में कार्य करता रहेगा और मुझे आपका प्रेम मिलता रहेगा। चलते हैं हम आज की इस कविता जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, के बारे में जानने के लिए। इस कविता में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें प्रेरणा देते हुए कहा है कि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, लेकिन हमें कभी भी इन संसार के दुख, कष्ट और कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें भगवान पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी हमारा भाग्य और प्रकृति भी साथ नहीं देती है, हमारे मित्र हमारा साथ नहीं देते हैं, वे भी हमें विश्वासघात कर जाते हैं। फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक काले बादल में सफ़ेद रेखा, जो कि आशा की किरण होती है, अवश्य होती है। हमारे पास एक दिव्य आभा है जो हमें सदा सही मार्ग की ओर अनुकरण अर्थात अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें अपनी सर्वोत्तम शक्तियों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए हमें भगवान और अपनी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर साहस के साथ बढ़ते रहना चाहिए। अब चलते हैं पोएम को डिटेल में जानने के लिए। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। हुड का मतलब है सिर, यानी कि फन, क्योंकि सांप के फन हुआ करता है। वुंडेड का मतलब है घायल यानी जख्म, यानी जख्मी सर्प भी अपने सर को उस समय फहरा देता है, कब, जब उसके ऊपर जानलेवा प्राणघातक हमला किया जाता है। द फ्लेम स्टीर्ड अप डॉथ ब्लेज। फ्लेम मीन्स लॉ, डॉथ यहाँ पर डज का पोएटिक वर्जन है, ब्लेज का मतलब है जोर से जलना, स्टीर यहाँ तेज से जलना या उत्तेजित करने के लिए आया है, अर्थात यहाँ यह कहा गया है कि यदि अग्नि को भी कुरेदा जाए, उसको भी उत्तेजित किया जाए, तो वह भी तेज लपटों के साथ जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ड स्टक लॉइंस रेज। रिसाउंड्स का मतलब है गूंजना, बार बार आवाज का दोहराते हुए आना। कॉल यहां पर शेर की उस दहाड़ के लिए आया है। हार्ड स्टक का मतलब है बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया जाना। रेज का मतलब है बहुत अधिक क्रोध, अर्थात यहाँ कहा जाता है कि जब घायल शेर को भी और परेशान किया जाता है और उसको घायल किया जाता है, तब वह अपने क्रोध में दहाड़ता है और पूरे जंगल या रेगिस्तान की आबो हवा को अपनी आवाज़ से गुंजयमान कर देता है। इस पहरे में कवि यह कहना चाहता है कि सांप उस समय अपना सिर उठाता है जब उसे चोट पहुंचाई जाती है, जब ज्वाला को उत्तेजित किया जाता है तभी वह तेजी से जलती है, जब शेर पर शिकारी का तीर या गोली लगती है तभी उसकी क्रोध भरी आवाज़ पूरे जंगल को गुंजयमान कर देती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डल्स स्ट्रेंथ। क्लाउड मीन्स बादल, आप भली भांति जानते हैं। पुट्स फोर्थ का मतलब है प्रस्तुत करता है। डल्ज मीन्स बाढ़,
स्ट्रेंथ यानी शक्ति, यानी कि बादल भी अपनी पूरी शक्ति से उस समय बारिश करते हैं, बारिश को प्रस्तुत करते हैं, बारिश को देते हैं, जब कब, व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, लाइटनिंग माने तीव्र प्रकाश, बिजली की रोशनी, क्लीव्स माने चीर देती है, ब्रेस्ट में सीना, जब बिजली का तीव्र प्रकाश, आकाश से चमकने वाली तीव्र प्रकाश, बिजली की किरण उसके सीने को चीर देती है, तभी आकाश भी अपने हृदय को, अंतरात्मा को खोलकर बहुत अत्यधिक मात्रा में भारी वर्षा करते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, soul आत्मा, stirred छेड़ देना, उत्तेजित कर देना, तो जब किसी की आत्मा को गहराई से उत्तेजित किया जाता है, उसको इनर मोस्ट सबसे ज़्यादा गहराई में जाकर प्रभावित किया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तभी जो महान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वे अपनी सर्वोत्तम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात यह कहा गया है, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है, तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जब आत्मा को उसकी सबसे अधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है, तो महान व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, आँखें भी कमज़ोर हो जाएं, तो उन्हें हो जाने दो, हृदय भी निर्बल हो जाए तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बैटरे, आपका मित्रता भी विफल हो जाए तो उसे भी हो जाने दो, आपका प्रेम भी आपको धोखा दे दे तो उसे भी धोखा दे देने दो, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और आपका भाग्य 100 से भी ज़्यादा परेशानियां आपको डराने के लिए भेज दे तो उसे भी भेज देने दो, एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और आपके सामने घनघोर अंधेरा आपके सारे मार्गों को बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, रोक दे तो उसे भी रोक देने दो। अर्थात कवि कहना चाहता है, चाहे आंखों का प्रकाश धुंधला हो जाए, हृदय कमज़ोर हो जाए, सभी मित्र छोड़कर चले जाएं, प्रेम विश्वास घात कर दे, भाग्य भी चाहे सैकड़ों विपत्तियां भेज दे, पूर्ण अंधकार तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे, अर्थात कुछ भी दिखाई ना दे, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, और प्रकृति भी तुम्हें गुस्से में आकर नष्ट कर देना चाहे, टू क्रश यू आउट, तुम्हें कुचल देना चाहे, तुम्हारे को अपनी शक्ति से मिटा देना चाहे, स्टिल नो माय सोल, फिर भी यह याद रखना तुम मेरी आत्मा का ही अंश हो, दिव्य हो, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम ईश्वरीय हो, मार्च ऑन एंड ऑन, निरंतर आगे बढ़ते चलना, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं मुड़कर देखना ना बाएं मुड़कर देखना, बट टू द गोल, बस तुम अपने निश्चित उद्देश्य को देखना। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हो सकता है कि प्रकृति भी तुम्हें गुस्से में आकर कुचल देना चाहे, तब भी हे प्रिय मनुष्य, यह याद रखना कि तुम एक दिव्य आत्मा का अंश हो, तुम दिव्य हो, आगे बढ़ते रहो, और ना अपने दाएं देखो ना अपने बाएं देखो, बल्कि जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर तुम आगे बढ़ते रहो। कवि का तात्पर्य है, यदि तुम चारों ओर से विपत्तियों से घिर जाओ, ना तुम्हारा भाग साथ दे रहा हो, ना प्रकृति साथ दे रही हो, ऐसी स्थिति में भी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो, सद्मार्ग का हमेशा पालन करते हुए आगे बढ़ते रहो, निश्चित रूप से वह शक्ति तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाई गई पोयम पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक
का बटन दबाकर इसको शेयर करना ना भूलें, और आपने अपना जो प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करके दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, धन्यवाद।